नमस्ते जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थानी थेपला। थेपला सुन के आप कहेंगे, अरे राजस्थान में कौन सा थेपला बनता है, ये तो गुजरात में बनता है। नहीं जी, राजस्थान में भी बनता है। थेपला होता क्या है जो हम 3-4 दिन तक आराम से इंजॉय कर सकें, वैसा ही एक डिश मैं आपको आज आपके साथ शेयर करती हूँ। आइए बनाते हैं राजस्थानी थेपला। ये थेपला ना मैं मोठ की दाल के साथ बनाऊँगी। मोठ की दाल, मोठ आता है ना, इसको मटकी भी कहते हैं, मैट बीन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसकी दाल आती है, छिलके वाली लेनी है और उससे इसको बनाना है। तो मैंने एक कटोरी छिलके वाली मोठ की दाल ली है, इसको भिगो के रख दिया है, धो के अच्छे से भिगो के रख दिया है। अब इससे हम थेपला बनाते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। ये जो दाल है ना, इसको भीगने के लिए 7 से 8 घंटे चाहिए होते हैं। तो मैंने रात में भिगो के रख दिया था इसको धो के, और अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। एक कटोरी मैंने ले लिया है आटा, इसमें ये भीगी हुई मूंग मोठ की दाल डालेंगे। ये मैं छिलके वाली दाल ले रही हूँ, ये इसमें आप बिना छिलके की दाल भी ले सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे मिर्ची, या आपके स्वाद अनुसार मिर्ची डाल लीजिए। थोड़ी सी हल्दी पिंच भर, 1/4 चम्मच में डाल रही हूँ हींग। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। साबुत जीरा लेंगे, नमक आपके स्वाद अनुसार, धनिया और मिर्ची ये मैंने काट के रख लिए हैं, थोड़ा ये डाल देंगे इसमें। इसको थेपला क्यों बोल रही हूँ, बना मैं पराठी रही हूँ, पराठी की तरह बना रही हूँ और बोल थेपला रही हूँ क्यों, क्योंकि ये ना आप इसको 5-7 दिन तक ऐसे रख सकते हैं। सर 1 चम्मच घी डाल दीजिए, आप सफ़र में जा रहे हैं तो उसमें ले जा सकते हैं, कहीं बाहर आप पार्टी वार्टी करने जा रहे हैं, पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो आप इसको अपने साथ ले जा सकते हैं। ये पराठी जल्दी ख़राब नहीं होती है, इसलिए इसको राजस्थानी थेपला भी बोला जाता है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मुलायम आटा लगाएंगे, टाइट आटा नहीं लगाना है इसका, हमें एक सॉफ्ट डो लगाना है। घी अच्छे से इसमें हमने मोइन लगा दिया है आटे में, अब हम आटा गूंद लेते हैं। और एक चीज़, इसके अंदर ना 5-6 लौंग लेके आप कूट लीजिए, और थोड़े से काली मिर्च के दाने ले लीजिए, उनको कूट के वो भी इसमें डाल देते हैं, टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। थोड़ी सी मतलब 3 से 4 कुटी हुई लौंग डाल दी मैंने इसके अंदर, और 6-7 कूट के काली मिर्च, जब मुंह में आएगी ना ये कट कट करेगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब एक बार इसको अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेते हैं, और अब आटा लगा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के लगाएंगे, क्योंकि हमारी मूंग भी जो मोठ थे वो भी भीगे हुए थे, तो थोड़ा पानी उसके साथ भी गया है। पानी अंदाजे से थोड़ा थोड़ा डाल के लगाइए, और सॉफ्ट डो तैयार करना है। 7-8 घंटे अगर आप दाल को नहीं भिगोएंगे ना, तो फिर वो खाने में वो टेस्ट नहीं आएगा इस पराठी को जो आना चाहिए। तो इसको आप 6 से 8 घंटे अच्छे से भिगोइए, रात में भिगो के रख दीजिए और सुबह यूज़ करिए तो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो थोड़ा गर्म पानी लेके 5-6 घंटे आप उसमें भी धो के भिगो सकते हैं, तो उसमें भीगने का टाइम इसका थोड़ा कम हो जाएगा भिगोने का अपना। अच्छे से सॉफ्ट आटा लगाएंगे इसका, देखिए कितना बढ़िया सा डो लग के तैयार हो गया है। अब इस पे ना थोड़ा सा घी लगा के इसको अच्छा सा मसाज देंगे। घी लगाएं, आप तेल भी लगा सकते हैं, जो आप प्रेफर करते हो वो लगाइए। देखिए कितना बढ़िया डो लग के तैयार है। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हम इसका पराठा बनाते हैं, थेपला बनाते हैं, पर आप बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी टिप्स इसी में मिलेंगी और सोचेंगे कि भाई
हम बना लेंगे, चलो वीडियो को भगा देते हैं तो काम नहीं चलेगा। फिर बनाने जाएंगे थेपला और बन जाएगी पराठी और आप कहेंगे आपने तो बताया ही नहीं। तो एक लोई तोड़ लीजिए, एक बॉल के बराबर, ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे, एक बॉल के बराबर लोई तोड़ेंगे, उस पर लगाएंगे थोड़ा सा आटा और उसको हम बेलेंगे। इसको थोड़ा ना पतला पतला बेलेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं, क्योंकि हम थेपले बना रहे हैं, पराठियाँ नहीं बना रहे, इसलिए पतली पतली बेलेंगे। बिल्कुल जितना पतला आप कर सकें उतना पतला बेलिएगा, क्योंकि टेस्ट उसी में आएगा, थेपले वाला जो लेना है वो। अगर पराठी बनाना चाहें तो थोड़ी सी मोटी बना सकते हैं। थोड़ी सी उंगली को घी में डिप करिए और इसमें कर दीजिए एक होल। जो हमने पराठी बनाई है ना, ये थेपला जो बनाया है बिल्कुल पतला पतला, देखिए कितना पतला बनाया है मैंने, ऐसे बनाना है। और इसको आप डालेंगे तवे पे, तवे को पहले गरम कर लीजिए और उस पर डाल दीजिए इस पराठी को, इस थेपले को। इसी तरह से सारे थेपले बनाने हैं हमें अपने। पहले इसको अच्छे से सिकने दीजिए, फिर ही इसको पलटना है। जब ये नीचे से सिक जाएगा ना, तो ऊपर से आपकी उसका थेपले का कलर ना चेंज हो जाता है। अब इसको आप पलट दीजिए। सिम आँच पे सेकना है, बहुत आराम से सेकना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी दूसरी साइड से भी सिकने दीजिए अच्छे से। खुशबू आने लग गई है सिकने की। जो हमने मसाले डाले हैं, हींग डाली है, उसका फ्रेग्रेंस उड़ने लगी है पूरी किचन में मेरी। देखिए दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक रहा है। अब हम इस पे लगाएंगे घी, या जो भी आप लगाना चाहें, घी, ऑयल, अच्छे से लगाइए। ये छेद इसलिए किया है कि ये पूरा अंदर तक चला जाए, मतलब हम ऊपर लगाएं और नीचे भी घी पहुंच जाए। इससे ये बिल्कुल खस्ता खस्ता बनेगा, करारा करारा सा बनेगा। घी लगा के पलटिए, ये देखिए आ गया ना पीछे भी घी। और इस पे भी लगा देते हैं अच्छे से, इसको ऐसे दबा दबा के हल्की आंच पे, मीडियम फ्लेम पे सेकना है। इतना बढ़िया खस्ता सा हमारा थेपला बनके, राजस्थानी थेपला बनके मोठ का तैयार है। इसको डाल लेंगे और इसी तरह अपने सारे थेपले सेकेंगे। ये थेपले भी खाने में इतने टेस्टी लगने वाले हैं ना, इतने टेस्टी लगने वाले हैं यार, आप बोलेंगे वाह मजा आ गया। बताइएगा जरूर कमेंट में कि आपको कैसा लगा ये पराठा, ये थेपला। पराठा तो नहीं बना रही हूँ मैं आज, थेपला ही बना रही हूँ। पराठा बनाती तो मोटा मोटा बनाती और अच्छे से घी अंदर तक लगा लगा के बनाती। खूब बढ़िया से सेकेंगे, खूब अच्छे से दोनों तरफ से, और फिर इस पर लगाएंगे घी जो पूरा इसको कवर कर ले, क्रिस्पी करारा बना दे, खस्ता सब कुछ मिल जाए एक ही चीज में, खा के मजा आ जाए। इसमें आप ना प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैं तो बना रही हूँ सफर के लिए। और अगर आपको सफर में नहीं जाना, घर में खाना है, तो फ्लेवर इन्हेंस कर सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं। मेरे थेपले बनके बिल्कुल तैयार हैं मोठ के। इसको मैं दही के साथ सर्व कर रही हूँ, आप रायते के साथ, दही के साथ, अचार के साथ, आम का अचार हो, मिर्ची का भरमा अचार हो, या नींबू मिर्च वाला अचार हो, किसी के साथ भी सर्व करिए और इन्जॉय करिए। रेसिपी पसंद आई हो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए
और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें जब हमारा वीडियो आए और आपको एकदम 10 से घंटी बज जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।